हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम नंदी हिल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, जबकि अभी डे टाइम है, लेकिन तब भी वेदर बहुत ही सुंदर है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं नंदी हिल को मेरे साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंदी हिल्स ले जा रही हूँ, जो कि कर्नाटक स्टेट के बेंगलोर सिटी का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यदि आप नेचर लवर हैं तो यह डेस्टिनेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज मैं आप लोगों को नंदी हिल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स दिखाऊंगी। वैसे तो नंदी हिल्स में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, परंतु एक वीडियो में इतने सारे स्पॉट्स को कवर करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आप लोगों को हमारे ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी देना है, परंतु थोड़ा मस्ती व हंसी मजाक के साथ, ताकि आप लोग बोर ना हो। दोस्तों, लोग नंदी हिल में मोस्टली सनराइज के समय में आना पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो टॉप पर जाते हैं तो वहाँ से जो बादलों का नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बेहद खूबसूरत दिखता है। बादल उड़ते हुए दिखते हैं तो हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि हमको भी वो व्यू देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना हो गया है। देखो कितना मिस्ट है, परंतु हमें ये मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो को दो पार्ट्स में बनाने का निर्णय लिया और दो पार्ट्स में बना भी चुकी हूँ। आपको दिखाऊंगी आज तो मोस्टली हम जो भी प्लेसेस कवर कर रहे हैं उसमें आपको व्यू ज़्यादा नहीं दिखेगा, परंतु जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें व्यू बहुत क्लियर है, वो भी मैं आपको एक साथ ही शेयर करने वाली हूँ। आगे की वीडियो में आपको व्यू बहुत क्लियर दिखेगा। तो देखिए कितना सुहाना मौसम है। ये एंट्रेंस गेट है, मेन एंट्रेंस गेट, हम इसके अंदर आ चुके हैं, नंदी हिल के एरिया के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। बस हर तरफ कोहरा ही कोहरा, शांतिपूर्ण वातावरण, मतलब कि बेंगलोर की बिजी लाइफ से अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए तो आप यहाँ पे नंदी हिल कभी भी किसी वक्त घूमने आ सकते हो। दोस्तों, नंदी हिल्स की पार्किंग आ गई है। यहाँ पे आप अपना व्हीकल पार्क करके नंदी हिल्स पे जा सकते हो। अभी ऊपर गाड़ी या व्हीकल ले जाने नहीं देते हैं, पार्किंग यहीं पर बन गई है। आज क्रिसमस है तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है प्लेस, देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हमें ऊपर जाना है। दोस्तों, जैसे ही आप पार्किंग से थोड़ा सा ऊपर की ओर क्लाइंब करके आओगे तो आपको टिकट विंडो मिलेगी, वहाँ से आप टिकट खरीद के आसानी से नंदी हिल घूम सकते हो। यदि आप डिफेंस के हैं तो डिफेंस के लिए स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, तो आप अपना डिफेंस का कार्ड लेके जाएं। दोस्तों, नंदी हिल बेंगलोर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 4,800 फीट की ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी का आकार सोते हुए बैल की तरह है, इसीलिए इसे नंदी हिल्स कहा जाता है। नंदी हिल्स ट्रैकिंग, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग व भारत के प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह नंदी हिल्स का मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी और टिकट दिखाने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टीपू सुल्तान लॉज दिखाने ले जा रही हूँ। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने अपना समर पैलेस बनाया था, जो कि नंदी हिल्स का सबसे ज़्यादा
ऐतिहासिक और आकर्षण केंद्र है। टीपू सुल्तान ने गर्मी के लिए यहाँ पर अपना समर पैलेस बनवाया था ताकि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व खुली हवा का वह आनंद ले सके। नंदी हिल्स पर टीपू सुल्तान जी के द्वारा बनाए गए किले का भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, यह टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। आज बहुत ही ज्यादा कोहरा है तो इसीलिए आप इतना ज्यादा क्लियर व्यू नहीं देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये टीपू सुल्तान का लॉज है और टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। भीड़ देखो, बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि आज क्रिसमस है और क्रिसमस पे बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हैं और जो प्रकृति का नज़ारा है कोहरे में काफ़ी सुंदर लग रहा है। कैमरे में इसकी सुंदरता हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं, परंतु बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म देवनाहल्ली में हुआ था जो कि यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह पैलेस लगभग 300 साल पुराना है और बहुत खुशी होती है जब हम इतने पुरानी इमारतों को देखते हैं कि सोचो उनकी नींव कैसे रखी गई होंगी, किस मटेरियल से उन्हें बनाया गया है, किस तरीके से कि आज भी उनकी फाउंडेशन हमें देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितना वक्त बीता, फिर भी इतिहास के पन्नों में आज भी इस जगह की अपनी विशेष पहचान है। ये है टीपू सुल्तान का लॉज, आप देख रहे हैं पीछे की तरफ। दोस्तों, टीपू सुल्तान का लॉज हम देख चुके हैं, अब हम दूसरे जगह आपको दिखाएंगे, पर वहाँ जाने से पहले रास्ते में कुछ मस्ती भरी फोटो खींच रहे हैं। फोटो खींचनी भी ज़रूरी है ताकि आप बाद में अपनी पिक्चर्स देख के अपनी जो मेमोरीज हैं उन्हें ताज़ा कर सकें। दोस्तों, यह अमृता सरोवर है। इस सरोवर का निर्माण 22 फरवरी 1936 में सर मिर्जा इस्माइल के दौर में हुआ था। सर मिर्जा इस्माइल मैसूर राज्य के दीवान थे। दोस्तों, इसमें बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां भी हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि पानी को गंदा ना करें और पानी में कोई भी चीज़ आप ना फेंके। मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लाते हैं तो प्लीज़ रैपर्स और प्लास्टिक की बोतलें आप झील में ना फेंके। हम चल रहे हैं, वेदर बड़ा सुहाना है। ये देखो गाइस, वेदर ऐसा हो रहा है ना, क्या बताऊँ आपको, इतने थोड़े से दूर के ट्री भी नजर नहीं आ रहे, पूरा कोहरा कोहरा। तो फ्रेंड्स, एक व्यू पॉइंट है बट इतना कोहरा हो रहा है कि यहाँ से हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आप अपनी फोटो ले सकते हैं, बस देखना इधर देखो मम्मी। तो ये ऐसे यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं बट आज आपको यहाँ से कुछ भी नजर नहीं आएगा कोहरे के अलावा, कोहरा कोहरा कोहरा। आपको लगेगा कि आप बस आसमान में हो।
दोस्तों रास्ते में हमें बस मिल गई है, अब हम बस में बैठ गए हैं। बस का किराया 25 रुपये पर पर्सन है। चाहे आप रास्ते से बैठो या शुरू से बैठो, आपको किराया पूरा ही देना पड़ेगा। हमें कुछ नज़ारे देखने थे और कुछ अलग चीज़ें देखनी थी, इसलिए हम बस में नहीं आए, बाद में बैठे हैं। देखो यहाँ से भी नज़ारे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो अब हमारी बस पहुँच चुकी है मेन व्यू पॉइंट पे, बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं हम लोग। और यहाँ से अब हम देखेंगे सुंदर नज़ारे। यहाँ पर चारों तरफ शॉप्स हैं, यदि आपको भूख लगी है तो आप कुछ भी खा सकते हो। और यहाँ पे सुलभ शौचालय भी बनी हुई है, जिसे कि आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी नीट एंड क्लीन शौचालय हैं। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं योगनंदेश्वर मंदिर। योगनंदेश्वर मंदिर नंदी हिल पर स्थित बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और यह मंदिर बहुत ही पुराना है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा किया गया था। वाओ कितना सुंदर मंदिर है। आपको यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस होगी, क्योंकि योगनंदेश्वर मंदिर शिव जी के त्याग चरण को दर्शाता है। इसी कारण यहाँ पर कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है, क्योंकि जो योगनंदेश्वर मंदिर है ये शिव जी के त्याग को दर्शाता है। इस मंदिर को समय समय पर साउथ के राजाओं के द्वारा रेनोवेट कराया गया। दोस्तों अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो देखो मंदिर के अंदर का थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाती हूँ।
दोस्तों मंदिर के अंदर एक कुंड भी बना हुआ है जो कि यहाँ की सारी पानी की पूर्ति को पूरा करता है। ये गिराओ अपना बूझ पा दी अब खा। मम्मी भी तो कटी मारी थी, तू ही मार ले मुंह में लगा दे। ठंडा ठंडा कूल कूल ठंडी में आइसक्रीम का मजा लीजिए, चाय का नहीं आइसक्रीम का। अच्छा ये देखो बंदर कैसे पुकार रहा है आइसक्रीम को। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैंने तो अपने सर में कैप भी डाल ली है। ऐसे रास्ते पे तुम्हारी मम्मी चल रही है, तुमने कभी सोचा नहीं था कि मम्मी ऐसे रास्ते पे चलेंगी, पर मम्मी ने कर दिखाया। नोबिता दोस्तों वो देखिए टीपू ड्रॉप पॉइंट। इस पहाड़ी से टीपू सुल्तान जी अपने दुश्मनों को फेंक देते थे, यानी कि इस पहाड़ी से वो अपने दुश्मनों को सजाए मौत देते थे। यह पहाड़ी जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर स्थित है, यहाँ से गिरने के बाद दुश्मन की मृत्यु निश्चित थी। दोस्तों आप आज भी किले की दीवार देख सकते हो और इन दीवारों में गन पॉइंट्स भी बने हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हो। भी बोलेगी यहाँ से बंदूक रखते थे, बंदूक रखते थे, ये डिवीजन है ना बीच में, तो इस डिवीजन से राइट पे एक गन जाएगा और लेफ्ट पे एक गन जाएगा। हाँ लाइट जला के दिखा। तो राइट पे गन जाएगा, लेफ्ट पे एक गन जाएगा और नीचे जो जा रहा है डायरेक्ट वहाँ पे शूट होगा। अभी बंद हो गया झाड़ियों की वजह से, और थोड़ा सा हल्का सा लाइट दिख रहा है। वो वाले में देख रहा है, देखो वाले में जाओ, वाले में। हाँ आतो आतो देख के आते हैं। को वाले में ये, हाँ हाँ यहाँ से दिख रहा है। हाँ देखो तो डायरेक्ट गन नीचे को जाके शूट मार, अरे गन रखते थे हैं शूट करने के लिए। देखिए आप किले की खूबसूरत दीवार देख सकते हो और गन पॉइंट्स जगह जगह पे बने हुए हैं। इस तरीके से सारी सिक्योरिटीज लगी होती थी ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। यूकेलिप्टस आल्सो यूकेलिप्टस ट्री है फॉर बेनिफिट ऑफ पेन एंड ऑल दैट। हाँ राइट, मैंने पढ़ा इसके बारे में, पेन के लिए काफी होता है ना, जुकाम सर्दी बुखार सबके लिए यूज होता है। रात को मल के सो जा बॉडी पे, सुबह तक थकान चली जाती है सारी यूक्रिटस। दोस्तों सरकार ने यहाँ पर काफी सारे लाभदायक पेड़ पौधे भी लगाए हैं जिनका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए किया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हम अपने घर को जा रहे हैं। तो ये थी डे वन की वीडियो, अब मैं आपको अनदर डे की वीडियो दिखाती हूँ जब हम थोड़े दिनों बाद दोबारा नंदी हिल्स आए। तो मौसम बहुत ही सुहाना था, देखो ये कार पार्किंग है, यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर हम ऊपर आए। आज हम यहाँ पर सनराइज के समय पहुँच चुके हैं, व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर व्यू है।
तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको टीपू सुल्तान लॉज दिखाती हूँ। टीपू सुल्तान का समर पैलेस देखिए, इसका व्यू भी आज बहुत ही साफ है। दोस्तों मैं सनराइज टाइम पे पहुँची हूँ, तो व्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। उस दिन हम लोग आए थे तो मिस्ट था, बट अभी व्यू बहुत अच्छा है, साफ है। दोस्तों अक्सर लोग यहाँ पर सनराइज के समय में आना पसंद करते हैं, क्योंकि सनराइज के समय में व्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखता है और आपको बहुत सारे बादल नज़र आएंगे। ऐसा लगता है कि आप बादलों के बीच में हो, बहुत ही अलग फीलिंग आती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो कोशिश करना है कि आप भी सनराइज के समय में ही पहुँचो। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट के बहुत ही करीब। मैं दिखाती हूं आपको यहां से कि व्यू कैसे नज़र आ रहा है। वाओ, लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों यही नज़ारा देखने यहां पे टूरिस्ट आते हैं। वैसे तो पहाड़ों से दूर दूर का नज़ारा दिन में भी बहुत क्लियर नज़र आता है, परंतु जो सनराइज में आते हैं ना लोग, बस इन्हीं बादलों को देखने आते हैं। इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि बस आप बादलों के बीच में हो। वाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया। बस तो ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, देख रहे हैं, सभी लोग फोटो लेने में लगे हैं। फोटो तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, देखिए। और अब बारी है हमारे फोटो शूट की। जीरा मंकी ब्रेकफास्ट कर रहा है। अच्छा, उसकी आइसक्रीम छीन ली इसने, बच्चे की आइसक्रीम लेके खा रहा है। भाई मजा आ रहा है आइसक्रीम खाने में। दोस्तों बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ से आपको दूर दूर का सारा नज़ारा नज़र आएगा। वाओ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों
इतिहास बताने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि आप लोग कैसे अपना फ़ोटो शूट कराएं और किस किस पॉइंट से फ़ोटो शूट कराएं, जो कि बहुत ही अच्छी मेमोरीज होती हैं। बाद में हम अपनी फ़ोटो को देख के ही याद करते हैं कि हम वहाँ गए थे और हमने ऐसे इंजॉय किया था। दोस्तों यह देखिए टीपू सुल्तान ड्रॉप पॉइंट, यहीं से वह अपने दुश्मनों को फेंक देते थे। आज व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप देख सकते हो कि खाई कितनी ज़्यादा गहरी है, पूरे 600 फीट गहरी है। दोबारा आपको दिखाती हूँ, देखो यह किले की दीवार है और यहाँ पर गन पॉइंट्स बने हुए हैं। देखिए यहाँ से दूर दूर का व्यू काफी क्लियर नजर आता है, इसीलिए शायद सुल्तान ने यह जगह चुनी होगी अपने किले के लिए, ताकि वो यहाँ पर सुरक्षित रह सके। भी दुश्मन अगर आता है तो वह भी बड़ी आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि दूर दूर तक नज़ारा बहुत साफ नज़र आता है। आज वेदर बहुत साफ है तो फोटो शूट करने का बहुत अच्छा मौका मिला है हमको। दोस्तों आज वेदर बहुत साफ है, इसलिए हम थोड़ा दूसरी जगह भी घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर आए हैं हम और यहाँ पे हमको बहुत ही सुंदर तालाब टाइप का मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ पे। वाओ देखो मॉर्निंग में आए हैं तो भीड़ भी नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मैंने पहले भी यह बात कही थी और अभी फिर दोबारा कहती हूँ, नेचर्स लवर के लिए यह डेस्टिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए आज इन पेड़ों का व्यू कैसा लग रहा है, और कोहरे में भी मैंने आपको इनका व्यू दिखाया था तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो बहुत ही खूबसूरत है। प्रकृति जब भी अपना कोई कार्य करती है तो बहुत ही खूबसूरती से करती है, चाहे कोहरा हो चाहे धूप हो, बिल्कुल व्यू अलग अलग होता है और बहुत ही मनमोहक व्यू होता है। आज भी इन पेड़ों का नज़ारा बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है और इस दिन कोहरे में भी यह बहुत सुंदर लग रहे थे, मुझे तो लग रहे हैं।
दोस्तों यह अमृता सरोवर है। आज व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर है। इस सरोवर के अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। देखो आपको दिखाती हूँ अभी जूम कर। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, परंतु मेरा उद्देश्य आपको नंदी हिल्स का व्यू दोनों समय दिखाना था कि यदि आप कोहरे के समय में आते हो तो आपको कैसा नज़ारा नज़र आएगा, और अभी सनराइज़ में आप आते हो तो आपको कैसा दिखेगा। आप किसी भी समय आओ, आप ज़रूर इंजॉय करोगे। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आइए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, शहर के भीड़ भाड़ से दूर बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।